गाइस फिलहाल होम स्टोर में और अभी बज चुके हैं रात के। सो गाइस फिलहाल मैं आया हूँ पावी प्लाजा में। गाइस गुड मॉर्निंग, मैं उठ चुका हूँ और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों इसी के साथ दोस्तों मैं डिलीवरी एड्स करता हूँ और अब से दोस्तों मैं इसके साथ करने जा रहा हूँ एक शॉपकीपर का काम। ये बेसिकली एक आइसक्रीम स्टोर है जिसके लिए मुझे मतलब आज इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और खाली मतलब ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं, खाली उनको बस पैक करके दे देना है, बस इतना ही। हालांकि दिन में पोवी के एरिया में कल मैंने 52 ऑर्डर्स थे, हालांकि मैं ट्रेनिंग पे था कल, तो 52 ऑर्डर्स आए थे और बाकी वहाँ पे बोल मेरा फ्रेंड ने बोला है कि मतलब 35 to 40 ऐसे ऑर्डर आते हैं, हालांकि बहुत सारा सफिशियंट टाइम बच जाता है हमारे पास। तो फिर हालांकि मुझे स्टडीज़ भी करना है, तो मुझे ऐसा बेसिकली ऐसा काम चाहिए था जिसमें मुझे टाइम मिल सके, तो बेसिकली इसमें मुझे बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर मैं यहाँ नहा धो के हो जाता हूँ रेडी और फिर दोस्तों हमें चलना है मुलुंड, वहाँ से अपना मतलब इंटरव्यू के लिए। और उससे पहले हम जाएंगे पवई प्लाज़ा, वहाँ से मेरा अपना सीपीयू का वायर लेना है जो चार्जिंग वाला है ना, वो वाला। हालांकि मैंने एक ही दिन हुआ मुझे लिए हुए और अगले दिन वो ख़राब हो गया, इसलिए फिर मैं वापस दे के आया। और कल मैं खाली सीपीयू लेके आया, उन्होंने कहा कि वो वायर डिलीवर कर देंगे, बट हालांकि उन्होंने अभी तक किया नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, नहा धो के हो जाते हैं रेडी और फिर चलते हैं अपना सीपीयू का वायर कलेक्ट करने पवई प्लाज़ा के। सो गाइस फिलहाल मैं आया हूँ पवई प्लाज़ा में अपना सीपीयू का मतलब जो पावर सप्लाई यानी चार्जर वो लेने। तो फिर हालांकि उन्होंने बोला था कि कल वो स्टोर पर पहुँचा देंगे, मेरे भाई के स्टोर पे वहाँ पे, बट उन्होंने अभी तक पहुँचाया नहीं है, तो फिर मैं फिलहाल चलता हूँ वहीं पे। ठीक है दोस्तों, ये पवी प्लाज़ा में सेकंड फ्लोर पे है स्टोर एपेक्स नाम करके, जहाँ पर आपको रिफर्बिश लैपटॉप वगैरह मिलते हैं। तो ठीक है, मैं चार्जर करता हूँ पिकअप और उसके बाद आपसे आगे बात करता हूँ। सो गाइस फिलहाल मैं कंप्यूटर लेके अपना सॉरी वाह सीपीयू का वायर लेके पहुँच गया हूँ घर पर और ये हमने सेटअप कर दिया यहाँ पे और कंप्यूटर हो गया चालू। और अब मैं चलता हूँ अपने जॉब के वहाँ पे, हालांकि आज मेरा फर्स्ट डे है और वहाँ पे ट्रेनिंग होगी। तो ठीक है चलिए चलते हैं, और ये है बुलुंड के एरिया में, वहाँ पे ट्रेनिंग होगी और फिर उसके बाद मतलब भांडू में वहाँ पे मतलब बोले कि स्टोर में खाली है, तो फिर मैं वहाँ पे लग जाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं फिर। सो गाइस फिलहाल हम स्टोर में और अभी बज चुके हैं रात के 11 बजे, हालांकि 1 घंटा बाकी है और फिर मैं जाऊँगा घर पर। हाँ दोस्तों हमें गिरे हैं ऑलमोस्ट 45 ऑर्डर्स और हमने लगभग 16,000 का सेल्स किया है। ठीक है दोस्तों, बाकी सब मैं बातें जाके पता करूँ घर पर। तो दोस्तों मुझे फिलहाल यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 घंटे हो गए हैं, तो मैंने इस दौरान ये कुछ कलाकारी की है, यानी अपना क्यूब से याद किए हैं 2 से 20 तक। हाँ दोस्तों मैंने 2 से 20 तक आज क्यूब से खाली मैं याद कर पाया हूँ यहाँ पे, और अभी मुझे ग्रह है ऑर्डर, तो मैं बाद में बात करता हूँ सभी से। दोस्तों मैं फिलहाल चेक कर रहा हूँ तो दोस्तों रात के लगभग बज गया है 12:40 और मैं पहुंच गया हूं घर पर और खाना वाना खा लिया है मैंने। और हालांकि थोड़ा सा मतलब बोरिंग डे था, मतलब वहां पर ऑर्डर नहीं आ रहे तो इसमें बोर, और कल मतलब मैं टेस्ट बुक्स वगैरह भी नहीं लेके गया था, तो अभी उन्होंने बोला कि भांडू के लोकेशन में आना है, मतलब कल से मतलब मैं भांडू के लोकेशन में जाऊंगा। और सैलरी वगैरह दोस्तों वहाँ पे 12,700 कहा है उन्होंने, और मतलब फिर बोनस समझो कि अप टू 5,000 तक है, और वो रहेगा दोस्तों ऑर्डर्स के ऊपर, यानी अगर ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं तो मतलब 5,000 मतलब कि 17,700 मिलेगा, अदरवाइज आपको मतलब 40,000 50,000 या 60,000 ऐसा कुछ मिलेगा।
तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल।